डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड के संदर्भ में हो। अविनाश, तीन में से दो शेयर तो फार्मा स्पेस के हैं और एक बड़ी रैली फार्मा में आ चुकी है। और अरबिंदो फार्मा एक जमाने में जहां यूएस एफडीए कंसर्न से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये शेयर में एक अच्छी चाल आई और एक अच्छे लेवल पे शेयर पहुंच भी चुका है, बेहतर रिटर्न भी इसने कमा के दिया है। आप क्या राय रखते हैं, क्या फार्मा स्पेस में इन शेयरों के साथ साथ और शेयरों में पोटेंशियल खुलता हुआ दिख रहा है, या अभी अगर इन्हीं तीन शेयरों की बात करें पर्टिकुलरली तो इन तीन शेयरों पर आपकी राय क्या है, इनमें अभी भी आगे पोटेंशियल बाकी है? आई थिंक मैं समझता हूँ कि इन तीनों शेयर्स में से अगर रैंकिंग करने की बात करें तो मैं पहले मदरसन सुमी को रैंकिंग दूंगा और दूसरा सन फार्मा और उसके बाद ऑरो फार्मा। तीनों कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी मजबूत पैसा कमा के दिया है लास्ट 10 साल में, लेकिन मदरसन सुमी की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने ऑलवेज अपने जो टारगेट्स है वो मेंटेन किए हैं। 2000 में इन्होंने $1 बिलियन की बात की थी, उन्होंने वो भी एक्सीड किया। 2015 में 5 बिलियन की बात की थी, कंपनी का मुनाफा करीबन 6 बिलियन था, और अभी 2020 के लिए इन्होंने 18 बिलियन का टारगेट अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अभी जो शेयर कम बोनस चल रहा है, मेरे ख्याल से एक्स बोनस होने के बाद वापस थोड़ा सा एक्शन में रहेगा, और जो निवेशकों ने शायद पहले इसमें कमाई नहीं है वो शायद अभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं अगर कम से कम 2-3 साल का उनका नजरिया है, क्योंकि ये कंपनी लगातार अपने टारगेट्स जो भी ये सेट करती है 5 साल का टारगेट ये अचीव करती है। रही बात सन फार्मा की, तो अभी भी मार्केट ने रैनबैक्सी का और सन फार्मा का कंसोलिडेटेड पिक्चर देखा नहीं है। आई थिंक ये डेफिनेटली आने वाले 2-3 साल में फ्रक्टिफाई होगा, तो यहाँ पे भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। और रही बात अरबिंदो फार्मा की, तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि क्लियरली अभी जो कम बोनस चल रहा है, जिस प्रकार के नंबर्स कंपनी आगे भी थ्रो अप करेगा, कम से कम 20-25% की अर्निंग ग्रोथ हमें लग रहा है कम से कम नेक्स्ट 2 साल के लिए चलेगी। तो आई वुड से दैट ऑल द थ्री आर गुड वैल्यू पिक्स अगर 2 या 3 साल का नजरिया कोई इन्वेस्टर रखता है, और डेफिनेटली इसमें वैल्यू क्रिएशन अभी भी बन सकता है। जी।